हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमने आपका स्टार्ट किया हुआ है टॉपिक सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में हमने देखा था किस तरीके से सेल जो है वो थ्री पार्ट में डिवाइड होती है, ए माइटोटिस एंड माइटोसिस। ये दो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस को। तो स्टूडेंट्स मियोसिस क्या होता है? मियोसिस दो फेजेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है मियोसिस फर्स्ट, सेकंड मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो जो मियोसिस होती है वो कहाँ पर होती है? वो होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। जबकि जो हमारा माइटोसिस होता है वो कहाँ पर होता है? जर्म सेल के अंदर। ठीक है, तो जो मियोसिस होती हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीज़न भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, और जबकि हमारी जो माइटोसिस होती है उसके अंदर जो हमारे क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन ऑफ डिवीज़न भी बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जब मियोसिस की स्टेज होती है तो हमें क्या मिलते हैं? गैमेट्स मिलते हैं। मतलब जब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो हमें क्या मिलते हैं? मेल गैमेट्स मिलते हैं। और जब ओजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो हमें क्या मिलते हैं? फीमेल गैमेट्स यानी कि एग मिल जाते हैं। और दोनों का फॉर्मेशन होने के बाद क्या हो जाता है? जायगोट बन जाता है। तो मतलब ये है कि जब हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होती है? मियोसिस होती है। मतलब ये कि डिप्लॉइड नंबर से हैप्लोइड नंबर मिल जाते हैं हमें क्रोमोसोम्स के। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस में क्या होता है? इट इज़ द फंडामेंटल बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो फंडामेंटल बेसिस होती है वो क्या होती है? मियोसिस ही होती है। मतलब ये है कि जो हमारे पेरेंट सेल होती है उससे हमें क्या करना होता है? गैमेट का फॉर्मेशन करना होता है, गैमेट का फ्यूज़न करना होता है। गैमेट के फ्यूज़न के बाद ही क्या बन पाता है? जाइगोट बन पाता है। और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद ही हमें क्या मिलती है? एक न्यू सेल मिलती है, यानी कि एक न्यू जनरेशन मिलती है। और अगर हम बात करें जेनेटिक मटीरियल की ट्रांसफ़र की जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, तो हमारे ह्यूमंस के अंदर हमने देखा है कि डिप्लोइड स्टेजेस में हमारे क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और अगर दोनों आ जाएंगे तो हैप्लोइड हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए जो मियोसिस का प्रोसेस होता है यानी कि जो मियोसिस की सिग्निफिकेंस होती है वो होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें न्यू जनरेशन के फॉर्मेशन की, तो जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमंस के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम्स और एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे एक्स क्रोमोसोम्स यानी कि जो एक्स स्पर्म से आ रहा है और एक्स ओवम से आ रहा है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है? फीमेल का। और जब हमारा वाई स्पर्म से आ रहा है और एक्स ओवम से आ रहा है तो किसका फॉर्मेशन होता है? मेल का। तो स्टूडेंट्स एक्स एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल और एक्स वाई मेल। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारा मियोसिस का प्रोसेस होता है वो दो सब फेज़ में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो जो मियोसिस फर्स्ट होती है उसमें भी हमारी चार फेजेस हमें देखने को मिलती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। तो ये जो चारों फेजेज होती है ये फर्स्ट में होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, और उसके बाद मियोसिस सेकंड में चली जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज फर्स्ट से। तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? तो स्टूडेंट्स जो प्रोफेज फर्स्ट होती है उसमें भी आपको दो फेजेस देखने को मिलती है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर बनाते हैं अपने ही सिमिलर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ, और पेयर बनाने के बाद इनके अंदर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज हो जाता है, और एक्सचेंज होने के बाद क्या होता है? ये लेट प्रोफेज में चले जाते हैं, यानी कि लेट प्रोफेज स्टार्ट होती है। तो लेट प्रोफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि हमें दिखने शुरू हो जाते हैं, और यहीं पर क्या होता है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी यहीं पर हमें देखने को मिलता है। और जो न्यूक्लियर एनवलप होती है वो क्या होती है? वो भी बननी शुरू हो जाती है। उनका भी फॉर्मेशन कहाँ होता है? लेट प्रोफेज में। स्टूडेंट्स जो मियोसिस फर्स्ट होती है, मियोसिस फर्स्ट में जो आपका प्रोफेज फर्स्ट होता है वो फर्दर फाइव स्टेप में कंप्लीट होता है। और जो ये फाइव स्टेप होते हैं ये हमें डिटेल में डिस्कस करने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो अब हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका प्रोफेज फर्स्ट के अंदर फर्स्ट पॉइंट है वो है
लैप्टोटीन। लैप्टोटीन क्या होते हैं? अर्ली प्रोवेज फर्स जो होता है उसकी जो इनिशियल फेज़ होती है वो क्या होती है? लैप्टोटीन होती है। लैप्टोटीन के अंदर क्या होता है? जो क्रोमेटीन होते हैं वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, और कंडेंस होने के बाद क्या हो जाता है? क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी जो पेयरिंग होती है वो कहाँ होती है? लैप्टोटीन में। इसके बाद है आपका जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? टेट्रार्ड कंडीशन देखने को मिलती है। टेट्रार्ड कंडीशन क्या होती है? जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जब वो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं तब हमें टेट्रार्ड कंडीशन देखने को मिलती है। टेट्रार्ड कंडीशन होती क्या है? जब हमें चार क्रोमेटिड ऊपर की साइड देखने को मिले और चार क्रोमेटिड नीचे की साइड देखने को मिले तो उसको हम बोलते हैं टेट्रार्ड कंडीशन। और आपको जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा जो ये ग्रीन वाले क्रोमेटिड हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। और सिस्टर क्रोमेटिड इनको बोलते हैं जब ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो फिर हमें क्या मिलते हैं? ऑरेंज वाले। तो हम इनको क्या बोलते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है जाइगोटीन में? हमें जाइगोटीन में मिलती है टेट्रार्ड कंडीशन। और टेट्रार्ड कंडीशन की जो फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वो है आपकी पेचाइटीन। पेचाइटीन को हम क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, जो हमारी टेट्रार्ड कंडीशन बनी थी वो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में क्या होगा? क्रॉस ओवर होगा। तो आपको फर्स्ट डायग्राम में दिख रहा होगा कि किस तरीके से हमारे पास दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं। फिर सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से उन्होंने आपस में क्रॉस किया है। और क्रॉस करने के बाद थर्ड जो आपका डायग्राम है उसमें आपको क्लियरली नज़र आएगा कि क्रॉस करने के बाद किस तरीके से जो एक दूसरे का इनका जो जेनेटिक मटेरियल था वो एक्सचेंज हो जाता है। और जो ये क्रॉसिंग ओवर होता है ये किस लिए कराया जाता है? जो हमारे पैटर्नल और मैटर्नल वो होते हैं उनके जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपस में एक्सचेंज हो, ताकि जो हमारे आने वाली न्यू जो जनरेशन है उसमें दोनों तरीके के जीन्स हो। तो इसीलिए ये क्रॉसिंग ओवर कराई जाती है। और ये कंडीशन होती कहाँ पर है? ये पेचाइटीन में होती है। कौन सी फेज़ के? मियोसिस फर्स्ट के। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन क्या होती है? अभी तक जो हमने फेजेस डिस्कस की हैं वो थी आपकी अर्ली प्रोफेज फर्स्ट की सभी फेजेस। जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपकी लेट प्रोफेज फर्स्ट की फर्स्ट फेज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है? जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारी क्रॉसिंग ओवर थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अब ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, यानी कि अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है? जो इनके बीच का जियाजमेटा होता है वो दिखना शुरू हो जाता है। जियाजमेटा क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं जियाजमेटा। तो वो दिखना शुरू हो जाता है और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन, मतलब एक दूसरे से अलग हो रहा है। तो ये कहाँ होता है? डिप्लोटीन में। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस लेट प्रोफेज फर्स्ट की आपकी लास्ट स्टेज है। ठीक है, डाइकाइनेसिस में क्या होता है? जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस्ड होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। और जो न्यूक्लियर एनवलप होता है उसमें क्या होता है? वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स जब हमने माइटोसिस की फेजेस पढ़ी थी हमने वहाँ देखा था प्रोफेज के बाद क्या हो रहा था, सेल के अंदर क्या क्या चेंज आए थे। यही सेम चेंजेस हमें वहाँ देखने को मिले थे। क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस्ड हो गए थे और न्यूक्लियर एनवलप जो है वो आपका डिसअपेयर हो गया था। लेकिन वहाँ पर प्रोफेज के बाद ही हमें ये देखने को मिला था, और यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्दर फाइव फेजेस के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चेंजेस कहाँ आ रहे हैं? आपके लेट प्रोफेज फर्स्ट के डाइकाइनेसिस में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेज मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स हमें इधर उधर देखने को मिल रहे थे वो कहाँ पर आकर? मेटाफेज फर्स्ट में बिल्कुल एक सेंटर लाइन पर आ जाते हैं। और सेंटर लाइन पर आने के बाद नेक्स्ट जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है? और हाँ, इससे पहले जो हमारी मियोसिस फर्स्ट थी वहाँ पर हमने क्या देखा था? वहाँ पर भी हमने सेम यही कंडीशन देखी थी कि इसी तरीके से जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो एक इक्वल उस पर लाइन पर आकर सेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? एनाफेज फर्स्ट में जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक अपोजिट पोल पर
चले जाते हैं, यानी कि कुछ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऊपर की साइड चले जाते हैं और कुछ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो नीचे की साइड आ जाते हैं। किसमें? एनाफेज फर्स्ट में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप हमारी डिजोल्व हो गई थी वो दोबारा से बननी शुरू हो जाती है और जो हमारी क्रोमोसोम्स हैं उनके चारों तरफ क्या बननी शुरू हो जाती है, न्यूक्लियर एनवेलप, और जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो डिसअपेयर हो जाते हैं और इसके बाद जो हमारी सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है टू फेजेस में, यानी कि हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलती हैं, दो सेल हमें देखने को मिलती है एक न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या स्टार्ट होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है वो इक्वल डिवाइड होता है दोनों न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। किसी को कुछ भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।